हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल किया होगा। एक्चुअली कल हमने बात की थी कि यहाँ पे प्रो थे वो बुलिश थे, मार्केट को आज ओपन ऊपर किया गया, इसके बाद से मार्केट में एक अच्छी सेलिंग प्रेशर आ गई। तो आप अगर आज के डाटा देखें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर 60-70% वेटेज है, हमें लाइव के डाटा को देखना है क्योंकि लाइव में क्या हो रहा, आज पैसा कहाँ पर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एनालिसिस एंड ऑफ द डे होता है वो आपको उसका 40-30% वेटेज है। दोस्तों 60-70% आप जरूर लाइव का डाटा फॉलो करिए और उसमें भी वेट करिए थोड़ा सा, यानी अब लगभग 9:30 से 9:40 तक जब डेटा एक सेटल डाउन हो जाए डायरेक्शन का, तो ही आप वहां पर ट्रेड इनिशिएट करिए, फर्स्ट थिंग्स। अदरवाइज आप हो सकता है कि मॉर्निंग के वॉलिटिलिटी में जहाँ पर BTST और STP लगाता है, इसमें आप 2-3 दिन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ 10 आप खुद एनालिसिस करिए, 9 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स आप वहाँ पे क्या है लॉस में होंगे। और एक बार आप जब लॉस में बैठ जाते हैं तो फिर आप वहाँ पर ट्रेड नहीं करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, उसको क्या करने के लिए रिकवर करने चक्के। और जैसे आप रिकवर करने जाते हैं वहाँ पे और आपका लॉस बड़ा होता रहता है। तो कोशिश करिए हमेशा कि आपका जो फर्स्ट ट्रेड हो, फर्स्ट ट्रेड जब भी आप ले रहे हो वो आपका क्या है प्रॉफिटेबल हो, भले ही छोटा अमाउंट में हो लेकिन वो प्रॉफिटेबल हो, तो आपका साइकोलॉजी भी अच्छा रहेगा और आप फिर अच्छे प्रॉफिटेबल के साथ निकलेंगे। उसके लिए आपको 2-4 चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, 9:40 से कभी भी पहले ट्रेड इनिशिएट नहीं करिए, चाहे मार्केट कहीं पे भी चला जाए, 9:40-9:50 के बाद ही मार्केट इनिशिएट करिए। थोड़ा सा डेटा का समझ रखिए, प्राइस एक्शन का वहाँ पे, और सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमने मैसेज किया 10 बजे के लगभग कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, बैंक निफ्टी में क्या है स्ट्रॉन्ग बेयरिश, यहाँ पे डेटा इंडिकेशन कर रहा। अब वहाँ कल का डेटा बुलिश था लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें पता चल गया सिर्फ आधे घंटे में। तो जब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बेयरिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाने देगा। इसके बाद टेस्टिंग पेपर से यहाँ पर देखें, हमने बात किया था कि पुट की जो राइटिंग 24,700 के पास, लेकिन बाइंग 24,500 पे हो रही थी, ये डेटा हमें पहले इंडिकेशन कर दिया था। ये मैं देखिए आज एक नया सिस्टम टेस्टिंग कर रहा था, मुझे भी ये यकीन देखने हुआ दोस्तों कि पुट बाइंग 24,500 के ऊपर कैसे हो रहा है। यहाँ से मार्केट तो लगभग 250 पॉइंट्स के जो है कहीं के ऊपर है, तो बड़ा प्लेयर क्या कर रहे थे यहाँ पुट की बाइंग करने लगे थे। यहाँ पे मैंने लिखा भी था दोस्तों कि ये मेरे टेस्टिंग पर्पज़ के हिसाब से अभी डेटा है। इसके बाद नो सजेशन नो रिकमेंड्स। देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग मार्केट को ऊपर ले जाया गया, इसके बाद नेक्स्ट टिक में फिर आप देखें यहाँ पे थोड़ी कॉल की बाइंग आई, पुट राइटिंग अब आ गया, यानी जो वहाँ पे पुट की बाइंग 24,700 पे पुट की राइटिंग अभी भी चल रही थी, मार्केट को वहाँ पे होल्ड किया गया और बाइंग कर रहे थे कॉल राइटिंग। अब 24,000 से यहाँ पे 24,700 के पास वो क्या है कॉल की जगह पुट की राइटिंग होने लगी, सॉरी माफ चाहता हूँ, पुट की जगह कॉल की राइटिंग होने लगी। ये देखिए डाटा चेंज हो गया और पुट की बाइंग 24,500 पे ही बना रहा, यानी कोई एक ऐसा प्लेयर आज कॉन्फिडेंट था जो उसको लग रहा था कि 24,500 के पास लेके आ जाएगा। अब ये 10:50 यानी एक घंटे में समझ जाइए कि यहाँ पे मार्केट इंडिकेशन कर रहा था कि 24,500 के पास आएगा। दोस्तों ये मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना एक्यूरेट सिस्टम बता सकता है। देखिए मैं आपसे रियली सच बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल जाता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सिस्टम को आज टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें लगभग 11 बजे के करीब मार्केट 24,690 के पास था, मार्केट क्लोजिंग आके बिल्कुल 500 के पास दिया, यानी यहाँ से 200 पॉइंट मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया, जो ये डेटा इंडिकेशन कर रहा था कि क्या है पुट की बाइंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट टिक देखता हूँ, नेक्स्ट टिक में भी आप देखें कॉल राइटिंग 24,700 पुट बाइंग 24,500, यानी ऑलवेज 24,500 की पुट की बाइंग हो रही थी। बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश था दोस्तों, जबरदस्त अच्छी वाली बेयरिश थी, यानी एक सेलिंग प्रेशर पहले ही क्रिएट हो गया था। अब अगर आप देखें इस डेटा में तो पूरा बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर, निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर हो गया था, एक अच्छी हैवी सेलिंग आ रही थी और वो पुट की बाइंग कौन कर रहा था तो प्रो कर रहे थे। ये डेटा में शाम को अभी जो डेटा आया है आप यहाँ पे मैं अभी बताऊँगा आपको, तो ओवरऑल यहां से हमें एक कंफर्मेशन मिल गया था दोस्तों। तो सॉरी जो लोगों ने इनके बेसिस पर ट्रेड लिया होगा उनको तो अच्छा प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि ये मेरी टेस्टिंग पर परसे थोड़ा सा इसमें और इनिशियल में मैंने बहुत सारी सुधार कर दी है, ये एक अच्छा सिग्नल देगा दोस्तों। अब यहां चलिए डेटा की बात कर लेते हैं, डेटा क्या इंडिकेशन कर रहा है।
प्रू ने क्या किया है, एफआईआई ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस की बात करेंगे। फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं, शॉर्ट पोजीशन यहां पे क्लोज किए हैं उन्होंने, मार्केट नीचे आया तो शॉर्ट पोजीशन इनके द्वारा क्लोज किया। अभी भी 212,000 इनके पास शॉर्ट पोजीशन है जो कि एक बेरिश है। डीआई 82,000 क्या कर रहे हैं ये अभी शॉर्ट पोजीशन कर रहे हैं। एफआईआई 358,000 यहां लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं। 27,000 कॉन्टैक्ट्स आज उन्होंने जो है लॉन्ग पोजीशन क्लोज की, तो अभी भी ये यहाँ पे बुलिश है। और प्रो यहाँ 63,000 कॉन्टैक्ट्स क्या कर रहा है, बियरिश कैरी कर रहा है। तो हम देखिए प्रीवियस रूल हमारा अभी भी लागू है कि एफआईआई अगर जितना पोजीशन फ्यूचर में बनाता है वो क्या करता है, उसके से लगभग 10 टाइम्स पुट बाई करता है। लेकिन अब यहाँ 14% अभी तक है, तो मार्केट में बहुत एक अच्छा करेक्शन नहीं आएगा। हो सकता है कि ये फंसाने की साजिश हो आपको नीचे लाके, फिर ये पोजीशन यहाँ पे बना लें कि आप वहाँ पे बेरिश हो जाएं। अभी ये 14% है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 200-400 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, लेकिन आपको लगता है कि बड़ा करेक्शन है तो अभी तो नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक एक अच्छा समझिए कि मार्केट का न्यूज है, जो बजट है उसके लिए बहुत सारे यहाँ पोजीशन शिफ्टिंग हो रहे हैं। अब स्टॉक्स फ्यूचर में देखें, रिटेल ट्रेडर ने लॉन्ग पोजीशन क्लोज की, शॉर्ट भी क्लोज किया गया यहाँ पे। डीआई यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा क्लोज किया, उसको मिला जो कहिए कि आज कुछ रास्ता, वहाँ पे एक टाइम मिला जहाँ से उन्होंने पोजीशन क्लोज की। एफआईआई के पास ऑलरेडी 14% यहाँ पे लॉन्ग है और प्रो भी यहाँ पे बुलिश हैं। तो प्रो, एफआईआई एंड रिटेल ट्रेडर बुलिश हैं स्टॉक्स फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई बुलिश है, प्रो और रिटेल ट्रेडर और डीआई यहाँ पे बेरिश है। मेन यहाँ पे आता है इंडेक्स का। प्रो क्या किए थे, कॉल की बाइंग करके गए थे, उन्होंने पूरी की पूरी पोजीशन आज यहाँ पे क्लोज कर दी पूरी की पूरी, और उन्होंने पुट बाइंग की। तो पुट की बाइंग हमें जो दिख रहा था वो प्रो का ही था, जो डेटा मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कॉल बाइंग किए 18,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, सेलिंग 15 लाख किया गया, 3,64,000 नेट टू नेट बाइंग किए। तो जो इनके पास सेलिंग था वो यहाँ पे नेट बाइंग में आ गया, यानी यहाँ बुलिश पोजीशन ये कैरी कर रहे हैं। पुट साइड इन्होंने पुट की सेलिंग कर दी 3,58,000, बाइंग कुछ नहीं की, 3,38,000 नेट सेलिंग हो गया यहाँ, और बुलिश हो गए हमारे रिटेल ट्रेडर। दोनों साइड उन्होंने पोजीशन बुलिश बना के गए। एफआईआई क्या किया, पुट की सेलिंग और कॉल की यहाँ पे बाइंग की और थोड़ी सेलिंग, यानी नेट पोजीशन इसने हैज किया यहाँ पे। आज कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, 2,40,000 अभी भी इसके पास बाइंग पड़ी है। लेकिन उसने क्या किया, पुट की बाइंग अच्छी कर ली, 4,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज, जबकि सेलिंग 2,48,000 की, 2,07,000 बाई किया, 284 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, 2,84,000। तो मनी फ्लो अगर देखा जाए तो पुट के बाइंग में इनका पैसा ज़्यादा लगा है, यानी ये यहाँ पे बियरिश हैं। मेन डेटा प्रो का है, ऑप्शंस में प्रो के पास देखिए 2,79,000 कॉल की बाइंग पड़ी थी, मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया, उसने क्या किया चला कि पूरी की पूरी पोजिशन क्लोज कर दी, यानी वहाँ पे उसने उल्टा कर दिया, 6,50,000 राइटिंग कर दिया कॉल का, 6,50,000 वो पूरे पोजीशन चेंज बाजी मार लिया, 89,000 राइटिंग में आ गया। और पुट साइड उसने 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर दिया, कल ये न्यूट्रल में था, 1,08,000 पुट की बाइंग कर लिया। अब इसके पास कॉल राइटिंग और पुट बाइंग होनी, यानी पोजीशन यहां से सीधा चेंज हो गया। तो प्रो का डेटा बेरिस है, एफआईआई का डेटा बेरिस है, रिटेल ट्रेडर यहां पे बुलिश है, मार्केट नीचे आएगा मंडे को भी, नीचे आएगा तो कहां तक आएगा इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कहां तक नीचे आएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास जो डेटा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अब आप यहां पे सपोर्ट देखें, 24,500 का भी सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस 24,629 का, न्यूट्रल पॉइंट 6,550 के ऊपर है क्लोजिंग, वहीं पे 77% राइटर अभी क्या है कॉल में, 77%, यानी राइटर का वेटेज यहां पे ज्यादा है, बायर भी 65% है लेकिन राइटर ज्यादा है, तो थोड़े से वो नीचे जरूर लाएंगे। कहां तक लाएंगे, कहां तक ला सकते हैं, 24,500 का सपोर्ट भी है, लेकिन अगर आप बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर देखें तो अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है 23,700 के पास आ रहा है, मार्केट इतना तो नीचे नहीं आएगा, 24,000 तक आ सकता है, 24,000 तक। अभी सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर में देखें 24,600 पे, लेकिन 25,000 पे कोई इन द मनी, 22,000 एक यहाँ पे भी बाहर बैठा हुआ है, और राइटर 26,300 दूर दूर बैठा हुआ है। पुट साइड भी 22,200 यानी जहां पे भी बायर एंड राइटर ये दूर दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट वीक यानी इस वीक से और नेक्स्ट वीक में एक अच्छा वॉलिटिलिटी रहने वाली है ड्यू टू बजट।
तो वो दूर दूर सेल कर रहे हैं ताकि उनका प्रीमियम डीके मिल सके। यानी ओवरऑल मार्केट अभी नीचे थोड़ा सा 200 से 300 पॉइंट और दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहां पे स्ट्रॉन्ग बेरिस था, 87% से देखिए राइटर कॉल में अभी भी बैठा हुआ है, बायर भी 85% है कॉल में, लेकिन राइटर का यहां पे ज्यादा वेटेज है। 52,150 का सपोर्ट, 52,350 का यहां पर रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग न्यूट्रल पॉइंट के पास ही दिया है, तो बैंक निफ्टी अभी भी यहां पे बेरिस है। बायर 52,300 यहां पर देखिए जस्ट उसी के पास क्लोजिंग है, और बायर में देखें तो बायर भी दूर दूर बैठे हुए हैं। अगर ओवरऑल ऑप्शन चेन की आप डेटा देखते हैं 48,000 46,000 जबकि यहाँ पे 58,000 भी, तो ये आपको हेजिंग पर्पज से है। राइटर मेन है जो 52,500 52,400 53 ये कॉल के पास ही बैठे हुए हैं जहाँ पे मार्केट है। उनकी वेटेज भी देखें 60% 50% 50, यानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं बैंक निफ्टी को। पुट राइटर यहाँ 52,000 पे है, 46,000 51,000 ये बहुत नीचे है। तो मार्केट में जब तक पुट राइटर एटीएम के पास नहीं आएंगे मार्केट क्या होगा, ऊपर नहीं आएगा किसी भी इंडाइजेस में। तो ये बैंक निफ्टी का भी हाल चल रहा है। फिन निफ्टी कल बेरिश था और मिड कैप निफ्टी भी बेरिश था, कल हमने बात की थी बैंक निफ्टी और निफ्टी स्लाइटली बुलिश था, तो बैंक निफ्टी आज होल्ड भी किया, निफ्टी भी होल्ड किया। अब फिन निफ्टी 23,454 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 23,650 का, न्यूट्रल पॉइंट 23,552 क्लोजिंग, वहीं पे 87% राइटर के हैं कॉल में, बायर 74% कॉल में, ये डेटा बेरिश। फिन निफ्टी के साथ मिड कैप निफ्टी भी आप देखें 67% कॉल में राइटर है, 88% बायर भी है, तो यहां से सपोर्ट जरूर लेगा। अब टूटेगा निफ्टी तो कहां तक आएगा, कहां तक निफ्टी टूट सकता है। ओवरऑल निफ्टी का जो अभी सपोर्ट है 24,470 का है, 24,470 ये लेवल पे, तो इस लेवल पे एक बार जरूर रुकेगा, ये एक्सटेंड होगा तो 24,340 मैक्सिमम, यहाँ तक डाउनसाइड का भी चांसेस दिख रहा है। और अपसाइड यहाँ से फर्स्ट टारगेट 24,660 का, ये हमारा दोनों लेवल रहेंगे मंडे के लिए निफ्टी का। नीचे साइड एक्सटेंशन हमने बता दिया। बैंक निफ्टी ऑलवेज हम बात कर रहे थे कि वो अपनी रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, ये लेवल एक्सटेंशन को ब्रेक नहीं कर रहा है, कल उसने ब्रेक नहीं किया, आज इसने क्या किया, सपोर्ट जो था 52,360 उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। यहां से टारगेट इसका 51,800, तो आपको 52,360 के आसपास मिले तो अच्छी यहां से सेलिंग प्रेशर फिर बना सकते हैं आप। और सेम फिन निफ्टी आप देखें, निफ्टी फाइनेंशियल 53,560 का सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर अच्छा गिरावट लगभग 300 पॉइंट का इसमें दिख जाएगा। रेजिस्टेंस अभी 53,650 का है, 650 ब्रेक करेगा तो ही ऊपर जाएगा 100 to 200 points। अभी इसमें बेरिशनेस है। मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी बेरिश था, कल बात किए थे हमने कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट 12,160 का होगा और इसी के पास आके क्लोजिंग दिया, ये अगर ब्रेक करता है 11,990 का लेवल दिखाई देगा, तो एक बार सपोर्ट यहां से 12,148 के करीब आसपास जरूर लेगा, थोड़े से ऊपर आएगा 12,200 के आसपास, तो वहां से आप पुट बाइंग कर सकते हैं या फिर कॉल राइटिंग कर सकते हैं अच्छा पोजीशन के लिए। FII ने थोड़ी कैश में यहां पे बाइंग की, सेक्टर रोटेशन चल रहा है, आप देखें हमेशा कि 15,800 करोड़ का बाइंग, 14,389 करोड़ का सेलिंग हुआ है। दोस्तों सब कुछ अपन टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं दोस्तों लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 to 70% उसका वेटेज दीजिए। इस डेटा का वेटेज ओनली 30 to 40% है, 30 to 40%, क्योंकि मार्केट जहां ओपन होगा उसके बाद क्या पोजिशन बन रहा है वो डेटा ही सुप्रीम डेटा है, सुप्रीम डेटा है, आप उसको फॉलो करिए, बायस कभी नहीं हुई दोस्तों, नहीं तो मार्केट में आप गच्चा खा जाएंगे। हमेशा पोजीशन 950 के बाद ही पोजीशन क्रिएट करिए, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करिए। बायर हैं आप, मैक्सिमम दो ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाएंगे। राइटर हैं तो भी आप समझ के थोड़ी दूर की राइटिंग करिए, पैसा आपका है दोस्तों। डिस्क्लेमर है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के द्वारा बनाया गया है, इसके आधार पर कोई बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट नहीं कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइज से जरूर सलाह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उनके ही सलाह पे बाय सेल होल्ड करिए। और ये अगर आपको सब कुछ सीखना है लाइव मार्केट में कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, तो नेक्स्ट बैच हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ टेलीग्राम चैनल पे दिया होगा, बाकी आपकी मर्जी कि आप सीखना चाहते हैं या फिर लॉस करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद,
मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।